नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल, शिक्षा शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपसे चर्चा का विषय रहेगा कि बच्चों के विकास में पर्यावरण की भूमिका। जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे यानी कि जिनका आयु वर्ग 6 से लेकर 8 वर्ष तक होता है, किस प्रकार से उनका विकास होता है, किस प्रकार से वो विकास की गति होती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। विकास एक अविरल प्रक्रिया है जो बालक में निरंतर चलती रहती है। ये विकास शारीरिक, भाषागत, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक व सामाजिक होता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो ये विकास बच्चों में 6 से लेकर 8 वर्ष तक की आयु के लिए हम बात करते हैं। ये प्रक्रिया बच्चों में जन्म से पूर्व से प्रारंभ होकर विभिन्न अवस्थाओं से होती हुई प्रौढ़ावस्था तक चलती है। चलिए अब बात करते हैं बाल विकास में पर्यावरण का क्या योगदान होता है। मानव के चारों ओर व्याप्त भौतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का संपूर्ण योग जो उसे प्रभावित करता है वो पर्यावरण कहलाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बालक के विकास पर अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, परंतु बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अनुवांशिकता से कहीं अधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो कि बच्चे के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का पर्यावरण उसको मिलता है वो उसको अधिक प्रभावित करता है। अनुवांशिकता की विशेषताएं पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती हैं। जिस प्रकार का परिवार होता है, जिस प्रकार से परिवार का पर्यावरण होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। जन्मजात संस्कारों और अनुवांशिकता की विशेषताओं में पर्यावरण द्वारा संशोधन, परिवर्तन और परिष्कार किया जा सकता है। पर्यावरण द्वारा बालक के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे वो स्वाभाविक पर्यावरण की क्रियाओं और अपने व्यवहार में सामंजस्य स्थापित कर पाता है, जो कि उसके विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। पर्यावरण बालक के सीखने के लिए एक अनुकूल स्थितियां उपलब्ध कराता है, अतः ये बहुत आवश्यक है कि उसे यानी बालक को उसकी जो एक मुख्य आयु होती है, जो बाल्यावस्था कहलाती है, उसमें उसको हम एक अनुकूल वातावरण प्रदान करें जिससे कि वो एक सही दिशा में प्रगति कर सके और उन्नति कर सके। पर्यावरण को जानने से पहले या पर्यावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि पर्यावरण कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से ऐसे पर्यावरण के प्रकार हैं जो कि बच्चों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण की। अब आप देखिए कि भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण, जो कि हमारे आसपास जितना भी जो भी शक्तियां हैं, संपूर्ण प्रकृति की वे सभी शक्तियां, क्रियाएं तथा तत्व जो कुछ हमारे आसपास होते हैं और जिनका प्रभाव मनुष्य पे, बालक पे पड़ता है, यानी उसके खान पान पे, उसके रहन सहन पे, ये सारी चीज़ें बालक को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो इसके अलावा जो प्रथम प्रकार है पर्यावरण का, वो प्राकृतिक पर्यावरण। अब हम प्राकृतिक पर्यावरण के अगर तत्वों को देखें तो ये 3 तरह के तत्व होते हैं इसमें, जैसे कि पहला होता है भौतिक तत्व समूह, दूसरा है ऊर्जा तत्व समूह, तीसरा है इसमें जैव तत्व समूह। जब हम भौतिक तत्व समूह की बात करते हैं तो जो भी हमारे आसपास की जलवायु होती है, जो पवन बहती है, जो पानी होता है, जिस प्रकार का भी हमारे आसपास का प्राकृतिक माहौल होता है, वो सभी भौतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है ऊर्जा तत्व समूह। ऊर्जा तत्व समूह यानी कि जो ताप और जो भी ऊर्जा या प्रकाश हमारे आसपास होता है प्राकृतिक दृष्टिकोण से, वो सब ऊर्जा तत्व समूह के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो जैव तत्व समूह के अंतर्गत, यानी हमारे आसपास जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं और जितने भी जीव जंतु होते हैं, वो सभी बालक के विकास को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं।
और जब ये प्रभावित करती हैं तो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके शारीरिक मानसिक हर एक चीज पे उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो भौतिक पर्यावरण की जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं, कौन सी शक्तियां हैं, तो इनकी बात करते हैं। भौतिक पर्यावरण की शक्तियां, इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं, प्रक्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसके ही कारण वातावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं और इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चे के विकास पर भी पड़ता रहता है। अब ये शक्तियाँ कौन सी होती हैं इसको देखते हैं। ये जो शक्तियाँ होती हैं, यानी कि जो कुछ हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक दृष्टिकोण से हो रहा है, जैसे कि सौर तत्व है, पृथ्वी का घूमना है, पृथ्वी की जो दैनिक परिभ्रमण होता है, गतियाँ होती हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो भूपटल की गति होती है, जीवन संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक दृष्टिकोण से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। अब आगे इसमें अगर हम बात करें कि ये प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं, शक्तियां तो होती ही हैं, पर्यावरण में बहुत सारी शक्तियां होती हैं जिसकी अभी हमने आपसे चर्चा की। अब प्रक्रियाएं कौन सी होती, यानी कि जो हमारी पर्यावरण में हमारे आसपास जो हमारा माहौल है उसमें जो जो प्रक्रियाएं, जैसे कि अगर आप कहीं समुद्र तट के किनारे रहते हों या नदी के किनारे रहते हों, तो कभी आपने देखा होगा कि नदी का कटाव होने लगता है, नदी के किनारे की मिट्टी अपने आप कटने लगती है, खेतों के किनारे भी। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी बच्चा महसूस कर सकता है जब उसने उन चीज़ों को देखा हो, समझा हो, सुना हो, छुआ हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, कि कितना वो पर्यावरण के नज़दीक है, पर्यावरण में होने वाली दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको वो कितना महसूस कर पाता है, ये सब बच्चे के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अब ये तो था पहला प्रकार कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो ईश्वर ने दिया है, जिसमें मनुष्य कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है सांस्कृतिक तथा मानवीय पर्यावरण। सांस्कृतिक और मानवीय पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जिसमें संशोधन करता है और परिवर्तन करता है, और उसी प्राकृतिक पर्यावरण को पूरा परिमार्जित करके वो अपने लिए एक पर्यावरण बना लेता है। क्योंकि मनुष्य को इस धरती पे रहना है, उसको अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है, तो ये परिमार्जन अति आवश्यक होता है। लेकिन जब ये परिवर्तन वो करता है तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। इसीलिए कहा भी गया है कि प्रकृति का उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपभोग यानी हम जरूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वही प्रकृति हमें कहीं ना कहीं नुकसान करने लगती है। तो ये जो हम प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी शिक्षा हमें बचपन से बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बाल विकास है या हम बाल्यावस्था में जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा देते हैं उसमें ये अति आवश्यक है कि बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण के क्षरण से होने वाले नुकसान ये क्या होते हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे का शारीरिक मानसिक हर एक उस स्वास्थ्य पे उसका कहीं ना कहीं इस पर्यावरण के संरक्षण और क्षरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। अब इसे जो जब हम सांस्कृतिक और मानवीय पर्यावरण की बात कर रहे थे तो वर्तमान में जब हम इसको कहते हैं तो कई बार इसके लिए हम शब्द जो प्रयोग करते हैं वो प्राविधिक पर्यावरण भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होता है, मानव अपने सामाजिक जो उसका दायरा होता है उसके अनुरूप इन चीज़ों को बना लेता है। और वर्तमान में क्योंकि हम प्राविधिक बहुत सारे जो सूचना और संचार के माध्यम हैं उनका प्रयोग अत्यधिक करने लग गए हैं, तो ये सारी चीज़ों के कारण भी हम इसको प्राविधिक पर्यावरण भी कहते हैं। दूसरा,
जो सांस्कृतिक और मानवीय पर्यावरण जो गठित करता है मनुष्य, उसमें मानव अपनी विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता के अनुरूप शोध व प्राकृतिक चीजों को अपने अनुरूप बना लेता है। इसके अलावा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी समाज में रहते हैं, तो कभी हमें औजारों की आवश्यकता पड़ती है, कभी हमें गहनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमारी दैनिक क्रियाओं के लिए कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मनुष्य जिनका आविष्कार करता है और फिर उनको उपयोग में लाता है। लेकिन ये मनुष्य जब उपयोग करता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वो केवल अपना हित कर रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रकृति के साथ उसको सामंजस्य बिठाना पड़ता है, जिससे कि इन चीजों का वो प्रयोग तो करे लेकिन कभी भी प्रकृति को नुकसान ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मनुष्य अपने लिए जो एक पर्यावरण बनाता है, वो सभी उसके सांस्कृतिक और मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं जो सांस्कृतिक और मानवीय पर्यावरण होता है, उसके भी तीन तत्व होते हैं। जैसे इसमें पहला आता है सांस्कृतिक शक्तियां, और दूसरा है सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, तीसरा सांस्कृतिक तत्व। आइए इसको थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि जो सांस्कृतिक शक्तियां होती हैं वो क्या हैं। सांस्कृतिक शक्तियों के अंतर्गत मानव स्वयं एक भौगोलिक घटक के रूप में होता है, यानी जो उसकी जनसंख्या होती है, जनसंख्या का जो वितरण होता है, उस जनसंख्या में कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, उसका अनुपात, कितने आयु वर्ग के कितने लोग हैं, ये सारी बातों का ध्यान रखना, ये सारी चीजें सांस्कृतिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। और ये एक एक घटक, एक एक चीज, जैसे जिसमें कि मनुष्य भी उसका एक घटक होता है, इन सभी को सांस्कृतिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि सांस्कृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। सांस्कृतिक प्रक्रियाएं में वे सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जिसके द्वारा मानव और मानव समूह पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है या करता है। यथासंभव उसको पोषण की आवश्यकता है, वो एक समूह बनाता है, पुनः उत्पादन करता है, और इसी प्रकार से कोई भी चीजों की पुनः स्थापना करता है, अपने छोटे छोटे समूह बना के बड़े समूहों में शामिल होने का प्रयास करता है, यानी कि वो स्वयं को अनुकूलित करने का प्रयास करता है। तो ये सारी चीजें सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब जो तीसरा तत्व सांस्कृतिक पर्यावरण का होता है, वो है सांस्कृतिक तत्व, यानी इसको घटक भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं, कि जो हमारी लोक रीतियां होती हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की मान्यताएं, वहाँ के जो बच्चों को हम संस्कार देते हैं, जो विवाह की प्रथाएं होती हैं, वहाँ पे रहने के लिए कुछ कानून व्यवस्थाएं होती हैं, विद्यालय होता है, प्रेस है, कार्यालय, ये सारी चीजें क्या है, मनुष्य ने अपने लिए कुछ तत्व बनाए हुए हैं, कुछ रीति रिवाज बनाए, जिससे कि वो एक अपना एक जीवन शैली अच्छे से निभा सके और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो जितनी चीजें ये मनुष्य बनाता है, ये कहीं ना कहीं जब बच्चा बड़ा होता है, उसका विकास होता है, तो ये सारी चीजों का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। जैसे कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए व्यवसाय, उद्योग, राजनैतिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, सांस्कृतिक प्रयास जो किए जाते हैं, मनोरंजन के साधन, सौंदर्य वृद्धि के लिए जो भी उपाय मनुष्य करता है, इसके अतिरिक्त जो भी चीजें, जैसे हम नहरें बनाते हैं, नदियों में से हम छोटे छोटे नहरें बना लेते हैं कि अपने उपयोग के लिए, फसलें अच्छी हों इसके लिए हम वहां से पानी का कटाव बदल देते हैं, पशुपालन के लिए हम कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, तो ये सब मनुष्य क्या करता है, स्वयं के जीने के लिए प्राकृतिक चीजों को किसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा परिमार्जित करता है और स्वयं के लिए व्यवस्थाएं बनाता है। तो ये सारी चीजें हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण को गठित करती हैं। अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा पर्यावरण होता है, वो है हमारा जैव पर्यावरण। जैव पर्यावरण यानी कि जितनी भी वनस्पतियां, जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास रहते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं। और हमको वो प्रभावित कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो वर्तमान युग में
जो फ्लैट्स में बच्चे रहते हैं या जो बच्चे किसी ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जहाँ पे कि पेड़ पौधों की अधिकता है, तो आप स्वयं ही ये देख सकते हैं कि दोनों के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अंतर ज़रूर आता है। यानी वनस्पतियाँ जो प्राकृतिक जो हमें लाभ होते हैं वो हमारे आसपास अगर जितनी ज़्यादा होंगी वो उतना ही प्रभावित बच्चे के विकास को करेंगी। जीव जंतु की अगर हम बात करें तो जीव जंतु कुछ हमारे बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होते हैं और कुछ होते हैं जो कि मनुष्यों से थोड़ा दूर रहते हैं लेकिन फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से मनुष्यों के लिए लाभकारी होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, इसकी चर्चा करते हैं कि जो हमारा पर्यावरण का स्वरूप होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अनुकूल और दूसरा होता है प्रतिकूल। अनुकूल जो पर्यावरण होता है वो जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा, विकास और पुनरुत्थान में सहायक होता है, जबकि इसके विपरीत जो हमारा प्रतिकूल पर्यावरण का स्वरूप होता है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। और जब ये बाधा उत्पन्न करता है तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब आइए चर्चा करते हैं, जो हमने पर्यावरण के आपको विभिन्न प्रकार बताए थे उन प्रकारों के, कि ये प्रकार किस तरह से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला प्रकार जो हमने बताया था, जिसकी बात आपसे की थी, कि प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, कि ये बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो पर्यावरण जो प्राकृतिक रूप से हमको मिला है, अब इसमें होता क्या है कि जो मनुष्य की जो क्रियाकलाप हैं वो कहीं ना कहीं, जिसको कि हमने कहा कि जब बच्चे को हमें, क्योंकि बाल्यावस्था है, बाल विकास की बात कर रहे हैं, तो बच्चे को ये बताना अति आवश्यक है कि जो मनुष्य क्रियाकलाप करता है वो हमारे विकास को, हमारे जीवन के जो भी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको प्रभावित करता है। इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि हम बहुत छेड़छाड़ या कह सकते हैं कि वायु को हम जरूरत से ज़्यादा अगर प्रदूषित कर देंगे तो इसका नुकसान किसको होगा? जो प्राकृतिक रूप से हमारी वायु है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, वो हमको बहुत लाभकारी होती है, हमको कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि करती है। लेकिन अगर इसमें बहुत छेड़छाड़ होगी, यानी इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी, तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, और यदि किसी भी बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी तो वो बहुत सारे ऐसे रोगों को पैदा करती है जिससे कि बच्चे का विकास रुक सकता है। इसी प्रकार से जो बहुत सारे आवास बन रहे हैं, यानी आवास बनने के लिए क्या करता है मनुष्य, जो प्राकृतिक जो हमारे पास भूमि है उसको हटा के वहाँ पे ईंट पत्थर की दीवारें खड़ी करता है, भवन बनाता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हमारे आसपास एक, जिसको कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल, या जिसको कहते हैं कि अस्वाभाविक सी चीज़ें जन्म लेने लगती हैं और इनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली में, जीवन में पड़ने लगता है। अब इसी के आगे अगर हम बात करें, ये तो था हमारा जो प्राकृतिक चीज़ों को हम अगर उचित रूप से नहीं प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से हमारे या बाल जीव विकास को प्रभावित करती हैं। दूसरा है हमारा कि जो हमारा सांस्कृतिक और मानवीय पर्यावरण है, ये बालक के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब देखिए, सांस्कृतिक और मानवीय पर्यावरण यानी कि जो मनुष्य द्वारा सृजित किया जाता है। अब मनुष्य द्वारा कैसे सृजित किया जाता है, इसमें विशेष तौर से हम बात करते हैं कि जो हमारा परिवार होता है, समुदाय होता है, या हमारे आसपास का जितना भी हमारा पड़ोस है, मोहल्ला है, जितना भी आसपास का जो परिवेश होता है, ये सारी चीज़ें, यानी जो सामाजिक रिश्ते, हमारे परिवार के रिश्ते, हमारे समाज के रिश्ते, ये कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं? जैसे कि अगर माता पिता में झगड़ा होता है
तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के विकास को वो कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि घर का माहौल एक सौहार्दपूर्वक माहौल होना चाहिए। इसी प्रकार से विद्यालय का माहौल बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए, बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, बच्चे की रुचियों का जहाँ ध्यान रखा जाता हो, क्योंकि जो ये बाल्यावस्था होती है ये खेल, संगीत, कला, इनके माध्यम से सीखने और सिखाने की उम्र होती है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि जो मानव द्वारा निर्मित जो जो भी माहौल है, जो भी पर्यावरण है, वो माहौल बच्चे को बहुत ही अच्छा दिया जाए, बच्चे के अनुकूल हो, बच्चे उसमें सामंजस्य कर सके। इससे बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें परिवार, समुदाय और विद्यालय किस प्रकार से बच्चे के विकास को, अगर प्रत्येक स्थान का जो पर्यावरण है वो खुशनुमा है, बच्चा उसमें बहुत अच्छा सामंजस्य कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी, चाहे आप शैक्षिक उपलब्धि कह लीजिए, चाहे आप उसका विकास कह लीजिए, चाहे उसकी बौद्धिक क्षमता को निखारना कह लीजिए या उसका सामंजस्य कह लीजिए, सारी चीज़ों पे बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं हम लोग पर्यावरण का जो बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है उस पे जैविक पर्यावरण की क्या भूमिका होती है, जैविक पर्यावरण किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। जैविक पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो आपको बताया था कि जो आसपास की वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, ये किसी न किसी प्रकार से बच्चे को भी प्रभावित करती हैं। और साथ में जो जैविक रूप से जब हम बात करते हैं, जैसे लिंग कि जो लड़का है या लड़की है, इसका भेद, विभिन्नताएं, अगर हम इसमें, इसके सोच में या इसकी बातचीत में बहुत अंतर करने लगते हैं तो ये भी बच्चे के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जैसे कि हर समय बोलना तुम लड़की हो तुम ये करो, तुम लड़का हो तुम ये करो, तो इस तरह की चीज़ें क्या हैं, बच्चे में कहीं ना कहीं एक ग्रंथि पैदा करती हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। क्योंकि अगर आप बच्चे को किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई बात कह रहे हैं तो वो तार्किक होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई तर्क होना चाहिए कि ऐसा क्यों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बच्चे के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अब इसके अतिरिक्त जितने भी पर्यावरण थे, इनकी जो हमने बात करी, तो इसमें देखें कि किस प्रकार से बच्चे के शरीर पे कैसे प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। यानी कि जब हम कहते हैं कि बच्चे पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, तो पहली बात करते हैं कि बच्चे के शरीर पे। यानी कि अगर किसी भी स्थान की जलवायु बहुत अच्छी होगी, उसके आसपास का सांस्कृतिक पर्यावरण अच्छा होगा, जैविक पर्यावरण अच्छा होगा, तो बिल्कुल ये इस पे 100% कहा जा सकता है कि बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पे इसका हमेशा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चे की कद काठी, रंग रूप, हर चीज़ का प्रभाव। आपने देखा इसके बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हम एक, अगर हम पहाड़ों का दृश्य ले लें या पहाड़ों की बात करें, तो वहाँ क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें बहुत अधिक हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के शारीरिक गठन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बच्चा स्वस्थ अधिक रहता है, जितना वो प्रकृति के नज़दीक रहेगा उतना वो स्वस्थ होगा। बच्चे के घर का माहौल, समुदाय का माहौल, आस पड़ोस का माहौल, विद्यालय का माहौल जितना अधिक होगा उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। इसी प्रकार से जो बालक का, जो अगर हम कहते हैं ना कि जिस तरह की मिट्टी होती है उस तरह की कदकाठी भी हो जाती है, ये एक उक्ति है। और इसलिए ये इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी यानी वहाँ की जलवायु, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, वो कहीं ना कहीं बच्चे के शारीरिक गठन को, शारीरिक बनावट को, सभी को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त जो बालों का रंग है, आँखों का रंग है, त्वचा है, तो इन सब पर भी बहुत, आपने देखा जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक होती है तो बालों में, आँखों में, त्वचा में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को वो बहुत प्रभावित करती है। और जितना ज़्यादा प्रदूषण उतना हमारे जो शरीर की चीज़ें हैं, शारीरिक चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। तो बच्चे के लिए ये अति आवश्यक है कि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो अभी हमने आपसे बात की थी कि शारीरिक स्वास्थ्य,
अब बात करते हैं कि मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानसिक प्रभाव यानी कि जब हम मानसिक प्रभाव की बात करते हैं तो सभी तरह के पर्यावरण का बच्चे की मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ता है। उसकी बौद्धिक क्षमता, उसका सामंजस्य, उसकी जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उस पे अनुकूल वातावरण का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रतिकूल पर्यावरण का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बच्चे में उत्साह पैदा करने के लिए, उसको प्रेरित करते रहने के लिए इसलिए अति आवश्यक है कि हमारे हर प्रकार के पर्यावरण बहुत अच्छे हों। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, इसका भी कहीं ना कहीं हमारे जितने पर्यावरण हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कैसे कह सकते हैं, जैसे कि जिन स्थानों पर प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक होते हैं वहाँ का जो समूह होता है, वहाँ के जो मनुष्य होते हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सबल होते हैं। उनके जो जीविकोपार्जन के जो स्रोत होते हैं वो अच्छे होते हैं और वो और भी ज़्यादा उन चीज़ों में उन्नति कर पाते हैं और इसका कहीं ना कहीं बच्चे के भी सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा गतियों पर प्रभाव, यानी मूवमेंट अगर हम कह लें कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ का अगर हम दृश्य अपने मस्तिष्क में लाएं, तो क्योंकि वहाँ पे इतना आसान नहीं होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की जो आप कह सकते हैं कि अगर उसको शैक्षिक रूप से उसको बहुत सबल बनाना है तो विद्यालय या तो पास में हो या उसके लिए जाने के उचित साधन हो, तो ये कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका प्रभाव उसके शैक्षिक उपलब्धता पर भी पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरह का वहाँ पे बहुत अच्छे सुविधाएं नहीं हैं तो मनुष्य को एक जो पर्यावरण एक सृजित करना चाहिए वो इस प्रकार से करना चाहिए कि वो अनुकूल हो सके बच्चे के लिए, बच्चों की गति पर प्रभाव न पड़े, वो अपनी एक सही गति से कार्य करता रहे। अब ओवरऑल अगर हम देखें इसको कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है या शिक्षक को किस प्रकार से बाल विकास में इस पर्यावरण के प्रभाव को देखना चाहिए या क्या उसकी भूमिका होती है, जैसे कि एक शिक्षक को अपना एक जो भूमिका होती है उसमें ये ज़रूर से ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की एक उचित समय सारणी का ज्ञान देना चाहिए बच्चे को। उचित समय सारणी का मतलब क्या है कि प्रायः देखा गया है कि आज के ज़माने में सभी के पास समय की कमी होती जा रही है, व्यस्तता बढ़ती जा रही है, माता पिता के पास समय कम होता है तो बच्चा भी अपनी समय सारिणी उसी के अनुसार कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की समय सारिणी प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमको उपहार दिए हैं, जैसे कि सूरज समय पे उगता है, सूरज का अस्त समय पे होता है, यानी इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि जब प्रकृति नियम से चलती है तो मनुष्य को भी अपना समय सारिणी और अपना जीवन एक समयबद्ध तरीके से जीना चाहिए, जिसकी शिक्षा देना शिक्षक का कर्तव्य है कि हम बच्चों को ये ज्ञान दें कि सही समय पे उठें और सही समय पे सोएं, जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सके। शिक्षक का ये कर्तव्य है कि बच्चों को खोजबीन करने के लिए और जीवन के सच्चे अनुभवों के लिए समय और स्थान उपलब्ध करवाए। देखिए, प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है बच्चे को सिर्फ कह के शाब्दिक रूप से हम कभी भी चीज़ों का ज्ञान नहीं करवा सकते हैं। बच्चे का अगर मन है उसको मिट्टी में खेलने देना चाहिए, उसका मन है कि उसको जंगल में जाना है उसको जाने देना चाहिए, उसको मन है पेड़ पौधों को छूना चाहता है उसको छूने देना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चा जब अनुभव करेगा तभी उन चीज़ों को सीख सकेगा और उसका बाल विकास, जो बच्चे का विकास है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि जितना भी आसपास का संसार है उसको स्वाभाविक तरीके से बच्चा सीख सके, बच्चे में एक इच्छा जागृत हो सके, ये सारी चीज़ों का प्रयास जरूर से करना चाहिए। प्रारंभिक वर्षों में अधिगम बच्चों की अभिरुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए और बच्चों को स्वयं करने और खुलकर अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करना ये शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा स्वयं को
खुलकर अभिव्यक्त कर पाएगा, तभी उसका एक अच्छे रूप में विकास हो पाएगा। और इन सब बातों को करने के लिए शिक्षक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि आप एक शिक्षक के रूप में कर सकते हैं। धन्यवाद।